on the left corner. चलिए मैम इधर इधर सर इधर लुक यार लुक यार सर यार लुक यार सर सेंटर मैम हाँ इधर देखिए इधर ऑल ऑफ यू यहाँ पे यार माया डाल दिया ऑल ऑफ यू दिनेश वेट कर दो इधर इधर सर सर इधर देखिए इधर आने से ना हाँ इधर देखिए इधर ऑल ऑफ यू यहाँ पे यार माया डाल दिया ऑल ऑफ यू हम बहुत खुश हैं कि आज सरोज जी का एल्बम लॉन्च हो रहा है और हम काफ़ी टाइम से उनको जानते हैं और इतना जानते हैं कि वो बहुत म्यूजिकली बहुत डेडिकेटेड हैं और वो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है उनका, बट फिर भी वो रियाज करते हैं और ये वजह है कि उनका गाना भी बहुत अच्छा है और जब आप एल्बम सुनोगे तो आपको समझ में आएगा हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। स्वरूप, आपकी बात करें तो काफी टाइम से आप गुल दिखाई दिया, कहीं पे नजर नहीं आया, सडनली आपको यहाँ पर देखा, क्या कर रहे हैं इतने दौरान पूरे बीच में, क्या चल रहा है आपका खास? आज जो जिस हम शो में आए हैं वो है सरोज जी का म्यूजिक एल्बम लॉन्च, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि थैंक यू सो मच फॉर सरोज जी ने जो यहाँ पर इतना बड़ा मौका दिया इतने बड़े लॉन्च में, बहुत अच्छा लगा और मैं तो दुआ करता हूँ कि ये जो एल्बम है बहुत ही अच्छी जाएगी और बेस्ट ऑफ लक सरोज जी। अच्छा, इन्होंने अपने एल्बम तो निकाल ली, लेकिन आप सब लोग अपनी एल्बम कब निकालने रहे बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं इस एल्बम के लिए भी हम भी, और बस आप जैसों का आशीर्वाद हमें चाहिए और बस कोशिश करते रहे। और अच्छा काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, एल्बम बनाने के लिए कोई ऐसी तीन चीजें बहुत जरूरी होती है, वो क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियाज होता है जो हमें करना चाहिए, और दुआएं होती है जो आप लोगों से मिलेगी, और बस साथ में मेहनत और सबका प्यार। आई थिंक ये सवाल हमें सबसे पहले सरोज जी से करना चाहिए। एल्बम बनाने के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप गाने का सिलेक्शन आपके पर्सनालिटी को जो मैच करे वो उनको सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो जो पर्सनालिटी मुझे भी इतना टाइम लगा कि वो पर्सनालिटी से मैच करने वाले गाने आप अगर सिलेक्ट नहीं करें तो फिर गाना कहीं और जाएगा और आपकी पर्सनालिटी कहीं और, तो ये मेरे ख्याल में ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, इस चीज़ को समझने में मुझे तो 5 साल लगे कि मैं कौन हूँ एज अ सिंगर, तो इसलिए टाइम लगता है एल्बम बनाने में। ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए, क्योंकि बिज़नेस अपनी जगह कायम है, हमारा एडुकेशन हमारी जगह कायम है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर एक को अपना अपना पैशन ज़रूर परस्यू करना चाहिए, क्योंकि अब ये ज़िंदगी निकल जाएगी अगर आप अपना पैशन परस्यू नहीं करेंगे और फिर हम सोचते रहेंगे बाद में कि हमने ये क्यों नहीं किया। फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू चूज बिटवीन दोज, बिकॉज वेन एवर आई एम गोइंग फॉर शोज, मुन्नी और शीला के बिना कोई मुझे छोड़ता ही नहीं, दोनों गाने ही पड़ते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज, सो आई वोंट बी एबल टू गिव द आंसर।